Hello students, how are you all? I welcome you all to NEC Institute. I am Taruna Saini and in today's video we will learn about aggregates of national income. अभी तक बेटा हमने जितनी भी वीडियोस में अभी हमने कुछ बैक वीडियोस में स्टडी किया फैक्टर इनकम के बारे में, ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में, फैक्टर पेमेंट्स के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, डोमेस्टिक इनकम के बारे में, NFIA के बारे में. तो अब हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपना एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में यूज़ करने वाले हैं और हम थ्री फॉर्मूले से सारे के सारे फॉर्मूलेस कैलकुलेट कर लेंगे. तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है और सुनना है और अच्छे से आपको ट्वेल्थ में गुड मार्क्स लेकर आने हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट समथिंग, जैसे कि सपोज हमारे पास एक वर्ड होता है बेटा डोमेस्टिक इनकम. एक वर्ड होता है हमारे पास डोमेस्टिक इनकम और एक वर्ड होता है बेटा हमारे पास में नेशनल इनकम. हमारे पास टू वर्ड्स होते हैं, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. अब जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो होती है NDP@FC और नेशनल इनकम क्या होती है बेटा NNP@FC. हमेशा याद रखना कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, NNP@FC. आज हम इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे कि NNP@FC होता क्या है और डोमेस्टिक इनकम क्या होगी बेटा NDP@FC. अब ये NDP, NNP ये सब क्या है, FC, MP क्या है, इनके बारे में हमें ध्यान से आज हमारी वीडियो में हम यही देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है. तो सबसे पहले हम मीनिंग पर आते हैं कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है और नेशनल इनकम का मतलब क्या है. डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स. अब जैसे कि सपोज हम ले सकते हैं यहाँ पे आपका क्या होता है, हमारी कंट्री का नेशनल इनकम क्या होता है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. अब फैक्टर इनकम क्या होती है, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन सब का सम हो सकता है. और आपका क्या हो सकता है बेटा, नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर भी सेम है, यानी कि कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर प्लस में प्रोड्यूसिंग सेक्टर का एक्सपेंडिचर जो कि इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, प्लस में आपका एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट. ठीक है, और अगर आप नेशनल प्रोडक्ट की बात करें कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो हमारे ऑल ओवर द कंट्री में एक साल के अंदर कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है, तो टोटल सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसको बोलते हैं. यानी कि नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर तीनों के तीनों सेम है. नेशनल प्रोडक्ट के सेंस में अगर आप डिफाइन करते हैं तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ द प्रोडक्शन मेड बाई ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर. और अगर आप बात करते हैं नेशनल इनकम की, सो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर. और अगर आप नेशनल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, सो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर मेड बाय द हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट एंड द प्रोड्यूसिंग सेक्टर. तो ये आपका विद इन अ ईयर होगा, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स होगा. अब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है. नेशनल इनकम आपकी हो गई, नेशनल इनकम को आप वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, NY से. इसको हम बोलते हैं NNP@FC और डोमेस्टिक इनकम को हम N की जगह पे क्या आ जाएगा, NDP@FC. तो डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फ़र्क होता है कि डोमेस्टिक और नेशनल में अभी हम ये थ्री कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे. डोमेस्टिक नेशनल में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ देखिए आप. सबसे पहले आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस और नेट का. तो ग्रॉस और नेट में कौन बड़ा होगा बेटा, ग्रॉस बड़ा होगा और नेट क्या होगा, छोटा होगा. जब आप ग्रोस में से डेप माइनस कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा. डेप को आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, यानी कि आप किसी भी सेट को यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है. अगर आपको ग्रॉस कैलकुलेट करना है तो आपको डेप्रिशिएशन ऐड करना पड़ेगा नेट में. डेप निकालना है तो आपको ग्रॉस माइनस नेट करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ग्रॉस वेरिएबल्स इन नेशनल इनकम आर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिशिएशन. ग्रॉस में मतलब डेप्रिशिएशन इंक्लूड होता है, तो डेप माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, डेप. नेट माइनस कर दोगे तो डेप आ जाएगा. ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप, थ्री फॉर्मूले यहाँ से बन सकते हैं. आप आगे आपका आता है बेटा दूसरा कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम. तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम हम बड़ा छोटा नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स ने बाहर से कितनी अर्निंग की है वो सब अगर इसमें प्लस कर दें तो NI बन जाएगा. डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो आपको NI में से NFIA माइनस करना पड़ेगा. NI के लिए हमने पहले आपको बता दिया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कि हमारी कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट्स
कुछ कंट्री के बाहर भी होते हैं बिकॉज दैट नॉट लिमिटेड टू द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे कि विच हेल्प्स इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ द नेशनल गुड्स सर्विसेज एंड पीपल, तो इनको भी हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं. ओके तो आगे आपका आता है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. तो अब कोई भी प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे तो सेल नहीं होता, तो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करने के लिए इसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ने पड़ते हैं और सब्सिडी माइनस करनी पड़ती है. तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को क्या बोलते हैं? NIT. हमने ये पढ़ा है पहले की वीडियोस में कॉन्सेप्ट. तो मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT. तो अगर आपको ये पता है कि आपको कैसे ये जनरेट करना है तो आप इजीली सारे एग्रीगेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. इससे आपका बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है. देखिए आप, ये आपके पास एग्रीगेट्स हैं. नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री. ये नॉर्मल विद इन एंड आउटसाइड मीन्स कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारी कंट्री के अंदर ही होते हैं, दे मे बी आउटसाइड ऑफ द कंट्री. नॉर्मल रेजिडेंट्स पर हमने वीडियो बनाया है, आप उन्हें देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. अगर ये तो प्रोडक्ट के केस में था मनी वैल्यू फाइनल गुड्स, यहाँ पे ये सम टोटल फैक्टर इनकम के टर्म्स में है. तो मेन एग्रीगेट्स क्या हैं बेटा? 8 हैं, GDP, NDP, GNP, NNP, FC पर. फिर यही सब MP पर भी हैं, सेम ये सारे सेम FC पर भी हैं और MP पर भी है. अब देखो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं GDP at MP से. फर्स्ट GDP at MP से. तो GDP at MP क्या हो गया बेटा? इसकी क्या डेफिनेशन हो गई? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर. यानी कि GDP at MP का मतलब क्या हो गया? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ओके अब यहीं से सारे कैलकुलेट हो जाएंगे. देखिए आपको मान लीजिए आपको चाहिए GDP at MP है आपके पास में और आपको चाहिए GDP at FC चाहिए. GDP at FC चाहिए तो आप क्या करेंगे? G सेम है, D सेम है, P सेम है, MP से FC बनाना है तो MP में से क्या माइनस करोगे कि FC आ जाए? तो NIT माइनस कर देना. तो इस फॉर्मूले में से जब NIT माइनस कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? GDP at FC. दूसरा देखते हैं. मान लीजिए आपको दिया हुआ है GDP at MP दिया हुआ है और आपको NDP at FC चाहिए. आपको NDP at FC चाहिए तो पहले आप ग्रोस को नेट बनाओ. ग्रोस को नेट कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे ग्रोस को नेट? डेप माइनस करके. फिर आप डी को डी बनाइए. डी तो डी ऑलरेडी है. फिर आपको एमपी का एफसी बनाना है तो एमपी का एफसी कैसे बनाओगे? NIT माइनस करके. तो फॉर्मूला अपने आप बन गया. GDP से NDP FC बनाना है तो पहले ग्रॉस को नेट बनाइए डेप माइनस करके और फिर MP से FC बनाइए NIT माइनस करके. और देखिए कुछ भी आप कितने भी फॉर्मूले यहाँ से जनरेट कर सकते हैं. मान लीजिए आपको GDP at MP दिया हुआ है और आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है. नेशनल इनकम क्या होती है? NNP at FC. तो आप ग्रोथ से नेट बनाइए. क्या करेंगे आप? डेप क्या करेंगे? माइनस करेंगे. डी से नेशनल बनाएंगे तो आप NFIA प्लस करेंगे और MP से FC बनाना है तो आप NIT माइनस करेंगे. यानी कि आपको हम बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है कि अगर नेट है तो नेट में डेप जोड़ दो तो आपका ग्रोस बन जाएगा. आपका फैक्टर कॉस्ट में अगर NIT जोड़ दो तो आपका MP बन जाएगा और अगर आपका डोमेस्टिक में NFIA प्लस कर दो तो आपका नेशनल बन जाएगा. तो आपको जो भी अचीव करना है आपका हो जाएगा. कोई सा भी आप लेके देख सकते हैं. मान लीजिए आपके पास NNP at FC है और आपको इससे बनाना है, मान लीजिए GNP at MP बनाना है, सपोज ये एग्रीगेट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप नेट को ग्रॉस बनाइए. तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए आप डेप जोड़ेंगे इसमें और नेशनल तो ऑलरेडी नेशनल है और FC को MP बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे? NIT प्लस करेंगे. यानी कि आपको 3 फॉर्मूले स्टैंड करने हैं जैसे कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस बताया है आपको, ठीक है, और आपको NFI डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम बताया NFIA वाला कॉन्सेप्ट और एक आपका हो गया है डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट. तो बस आप इन तीनों को यूज़ करके कोई सभी एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू सो मच.